नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। ये बात तो आप सभी को पता है कि बिहार इलेक्शन होने वाले हैं, बिगुल बज चुका है और अगले 3 महीने के अंदर चुनाव जरूर होंगे और इसी को लेकर के सभी पार्टियों में रेस लगी हुई है चुनाव प्रचार को लेकर। लेकिन इस चुनाव प्रचार की रेस में NDA और नीतीश कुमार एक कदम आगे हैं, यानी कि लीड में हैं। और ऐसा क्यों है ये बात हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये बात तो आप सब जानते हैं कि 15 साल के लालू राबड़ी जंगल राज के बाद नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने चुना था और नीतीश कुमार जो है वो सुशासन राज के बदौलत बिहार में आए थे, जो सुशासन राज उन्होंने कायम भी किया। उनके 15 सालों के राज में जो चीज़ कभी नहीं ख़त्म हुई वो था विकास का काम और इसी के कारण वे आज भी जनता के फेवरेट बने हुए हैं। अब कुछ बात बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की करें तो 2015 का एक डेटा है, उसके अनुसार बिहार ने उस समय जब नीतीश कुमार के 13 साल पूरे हो चुके थे उस समय बिहार ने उत्तर भारत के जितने भी प्रगतिशील राज्य थे उन सबको पीछे छोड़ दिया और खुद अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। वहीं कृषि की बात करें तो कृषि उत्पादकता में बिहार मध्य प्रदेश से ही सिर्फ पीछे था। बात अगर शिक्षा को लेकर करें तो बिहार नीतीश कुमार के राज्य में वो राज्य बना जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी, जो आज के डेट में 93.77% है। वहीं अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो ये आंकड़ा 83% का है। लेकिन इसके अलावा महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं बिहार की नीतीश कुमार को हमेशा से फेवरेट मानती आई हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार जब भी कोई काम करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि वो ऐसा महिलाओं के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा महिलाओं के कहने पर कर रहे हैं, आखिर महिलाएं उनको क्यों अपना फेवरेट मानती हैं ये बात भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2005 से पहले अगर आप जाएंगे तो बिहार में लड़कियां जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन तक में भी एडमिशन नहीं लेती थी, लेकिन नीतीश राज्य में ये करिश्मा हुआ और आज के डेट में आप स्कूलों में देखेंगे तो लड़कियाँ साइकिलों से जाती हुई निर्भीक तरीके से जाती हुई दिखाई देंगी और ये आंकड़ा रोज़ बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम समाज सुधार की बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक समाज सुधारक दिखते हैं और उन्होंने हाल ही में शराबबंदी और दहेजबंदी जैसे जो काम किए उसको लेकर जनता में उनकी एक अलग छवि गई है। यानी नीतीश कुमार नेता तो हैं ही, साथ में वो समाज सुधारक भी हैं और इसी कारण उन्हें एक दोहरा लाभ बिहार में मिलता है और यही कारण है कि NDA हमेशा नीतीश कुमार के रहने पर सुरक्षित महसूस करती है और यही कारण है कि बिहार में NDA गठबंधन और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के रेस में बाकी पार्टियों से आगे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो कैसे लगा ये बताने के लिए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।